नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 अप्रैल 2021 के आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों यश में आपकी लव लाइफ, बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, रुपये पैसे तथा स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे। आखिर ऐसे किन किन चीजों से लेकर आज आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपकी राशि से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन आज शनिवार का रहेगा। महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बन रही है, जो कि यह सुबह के 4:28 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 6:03 तक चलेगा। और इसके आगे कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र बन रहा है, जो कि यह ठीक सुबह के 6:46 तक चलता रहेगा। और इसके आगे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो ब्रह्म नाम योग बन रहा है, जो कि यह ठीक 1:34 तक चलेगा। और इसके आगे इंद्र नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:14 पर। सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 6:41 पर। चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:19 पर। चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक शाम के 5:23 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगा। तो चलिए बात करते हैं आज का शुभ समय। तो यह 2:12:03 से लेकर ठीक 12:53 तक चलेगा। अब बात करते हैं अशुभ काल। राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 9:21 से लेकर ठीक 10:54 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आप राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है। खुद को कभी बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन मान लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। खुशी पैसे से नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश रहता है तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों शेष जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं दैनिक राशिफल। आज आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने के ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं को एकत्र करने में सावधान रहें। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की अगर बात की जाए तो आज आप खास तौर पर ऊर्जा से भरे और स्वस्थ महसूस करेंगे। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग किसी एक के फायदे के लिए काम करें। अगर आप पिछले कुछ समय से काम टालते रहे तो आज आप आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, आज आपका दिन जो नया एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करने का, एबिरोक्स या तैराकी के लिए भी, कार्यकलापों की क्लास करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्यार और संबंध राशिफल की अगर बात की जाए तो आज एक नए संबंध बनाने का दिन है। आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आज एक संबंध, नई दोस्ती या एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। आज आप बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जहां आपको अपने शांति भंग संभावित दोस्त या पार्टनर मिल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दोस्त बनाने के बाद आप पुराने दोस्तों की उपेक्षा न करें। करियर और धन राशि फल की अगर बात की जाए तो लघु है, लेकिन बार बार की बाधाओं से आपके काम काज की राह में रौड़ा पैदा कर सकता है। आप इस सीमा के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में समर्थ महसूस करेंगे। ये बाधा व्यर्थ की होगी, लेकिन इन सब से पार पाना या इन सब की गणना करना मुश्किल होगा। हालांकि क्रोध और चिड़चिड़े समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसके बजाय आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सहयोगी की मदद के लिए पूछने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है।
दोस्तों अगर इस जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।